हाँ जी, जय गुरुदेव, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। खाना खा के हटे सी, खाना खा के हटे हैं ते कुछ मेरे दोस्त ने एक वीडियो लाई ते कुछ लोग कहते हैं कि गुरुआ ने यातां खत्म नहीं कीतियां, भेदभाव खत्म किया है। हुण तुसी इहनू आप पुछियो वे भाई साहब, जिहड़ी जात आ, जात रब ने दित्ती आ कि ब्राह्मण ने दित्ती आ? आप पुछ लियो, रागी आ ढाडी आ मेरे हिसाब नाल तुहानूं पता लग जाणा। ध्यान नाल सुणियो, पाणी नाल खोलूंगा, सुणियो ध्यान दे नाल की कहिंदा है, ठीक है ना। ये भाई साहब पता नहीं कौन आ, मैनूं पता रागी ढाडी लगदा। चलो कोई नहीं, आपां नां तों की लैणा, ठीक है ना। सुणो ध्यान दे नाल की कहिंदा है, मीडिया ते मैक लगा होया, ठीक है जी। तो इहनूं पहलां तुसीं सरवण करो। एक मिनट सत्संग जी विच ना आ रहा कुछ ना कुछ, तो मैं तुहानूं दिखाउणा ये की बोल रहा भाई साहब, ठीक है ना। एक मिनट रिफ्यूज करना पैना, तैयार करे जो आ सुने जरा। जात नहीं सी खत्म की, जात ते कर्म दी है, जात दी गल है, जात होर है, गोत होर चीज है। अमरदास पातशाह पढ़दे हो तो कहिंदे वी भल्ले अमरदास गुरु तेरे, उन्हां दी भल्ला जात है। जे भल्ले पातशाह छोटे गुरु रामदास आए आ, है ना, ते दसवें पातशाह कहिंदा जिहड़ा ना भल्ले दी गल करदा है, ठीक है ना, भले जात नहीं हैगी उन्हां दी, उत्थे उहदे अर्थ हो रहा। यह सिर्फ ये जिहड़े लोग आ ना, ध्यान नाल सुणियो की कहिंदा, की कहिंदा, अगे सुणियो की कहिंदा है, है ना, अगे सुणियो। क्षत्री को पूत हूं, ब्राह्मण को नाहि। हाँ, पूरा भी क्षत्री अपनी जात रखे। क्षत्री का पूत हूं, ब्राह्मण को नाहि, इहदा मतलब क्षत्री जिहड़ा क्षत्री आ उह ब्राह्मण दा गुलाम है। आपां नूं सारिआं नूं पता आ, ब्राह्मण वैश शूद्र ते खत्री चार वर्ण ने, सारे ब्राह्मण के गुलाम आ। यह कहिंदा ब्राह्मण का नहीं, ध्यान करियो, क्योंकि जे वर्ण दे विच तुसीं आया, जात दे विच आना आ, तो ब्राह्मण का गुलाम आ। किहड़े लोग आ जिन्हां ने अपनी गुलामी नहीं मनी, हुण ध्यान करियो की कहना चाहुंदा अगे। ये भाई साहब बोल रहे कुछ ना कुछ। हाँ जी, गुरु साहब ने खत्म किया सी भेदभाव ते ऊंच नीच। एक जुत्ती गंढण वाला चमार होवे उहदी जग उहदी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरु नानक नूं, गुरु नानक नूं लोकी सिर झुकाउण क्यों लगे आ, इस बंदे नूं पुछणा आ, इह जवाब दवे। मैं राज कौल शूदर नीच बोल रहा, यह बंदे नूं मेरा सवाल आ, पता नहीं कौन आ। इस बंदे नूं मैं पुछना चाहुंदा कि गुरु नानक नूं सिर झुकाउण क्यों लगे लोकी, क्योंकि गुरु नानक रविदास नूं सिर झुकाउंदा सी, कबीर नूं सिर झुकाउंदा सी, उहनां दी बाणी दसदी आ, नामदेव जी नूं सिर झुकाउंदे सी, कहिंदे मैं इहनां दी चरणां दी धूड़ आं। ते इस तरह के बेशर्म लोग की बोल रहे आ, जात नहीं खत्म कीती, जात ब्राह्मण दित्ती होई आ। चमार विच तां लिखिआ गिआ कि उहनां ने बाणी चलाई आ, सिक्खी चलाई आ, सिख सोच चलाई आ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਜਾਤ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ चमड़े का कम करते सी, ब्राह्मण ने चमार जात दी, गुरु साहब की जात को मानते ही। गुरु का साहब कहते हर एक शरीर जिहड़ा जिहड़ा जिहड़ी बॉडी आ इह चमड़े दी आ। इह कहिंदा जिहड़ा बंदा गुरु नानक नूं सिर झुकाउंदा आ, भगत रवदास नूं वी झुकाउंदा, इह कहना चाहुंदा बई नानक ने भगत रवदास जी ने कहना, मतलब उन्हूं सिर झुकाउण लाते। इहनूं पुछे बई नानक नूं लोकी सिर कदों झुकाउंदे आ, इहनूं पुछियो ही रख। आ सुणिआ करी फिर, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ
गुरु साहब ने, गुरु साहब कहते हैं भगतां की जात पत है। जात का मतलब लिया कि भगतां की जात क्यों आ इनू नहीं पता, भगतां की इज्जत क्यों आ इनू नहीं पता, इनू सिर्फ यह पता बी गुरु नानक साहब जी असं सिर चुकाने तो नाल भगतां नू चुकाने। इनू पुछ भी गुरु नानक साहब नू तुसीं सिर कदों चुकाने, ये सवाल करो इस बंदे नू। इस तरह के लोग जिहड़े आ इन्हां नू अद्धी जानकारी अद्धी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब तो नोट छापते हैं ठा ठा, बस इन्हों यह पता भी नोट कितना छापने हैं, बाकी इन्हों कुछ नहीं पता। सतसंगत जी मेरी हाथ जोड़ के आप सारे बेनती है, मैं बैठा सी खाना खा के बैठा से मुंडे ने वीडियो ला ली तो मैं उस वे लाइव होना पाया कि इस तरह के बंदियां नू जे तुसी सच्ची जवाब देना चाहते हैं, जे इन्हों का बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुहानू सारयां नू गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नू घर च लिया के आप पढ़ो, तुहानू पता लगे गुरु साहब सानू समझाउंदे की आ। मैनू दस्सियो पढ़ के बई तुहाडी जात हैगी आ। गुरु साहब ने यह गल जरूर लिखी आ कि भगतां की जात ते पत है। क्यों है? क्योंकि जेडे ब्राह्मण ने चमड़ा रंगण वाले नू चमार कहिंदा सी, चमड़ा चकण वाले नू, ते जुलाहे खड्डी बुण वाले नू जुलाहा कहिंदा सी, कपड़े सीण वाले नू शिंबा कहिंदा सी, ठीक है, घरां च सुनेहे देण वाले नू नाई कहिंदा सी, ब्राह्मण कहिंदा सी। गुरु साहब तां जात मानदे ही नहीं। हाँ, ब्राह्मण नू इह जरूर चैलेंज करदे आ, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना की नहीं कह रविदास चमारा, तुम सरनागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा, यह जरूर दावा करते गुरु साहब। पर गुरु साहब इदा के लोगों का जिहड़ा कहिंदा जात नहीं खत्म की, सिर्फ भगतां की जात रहनी आ। क्यों रहनी आ? क्योंकि उस ब्राह्मण ने चौ वर्णा के वंट के इन्हों अति शूदर लिखा होया, अति शूदर, खत्री ब्राह्मण के लागे रहिंदा सी, शूदर ब्राह्मण के लागे रहिंदा सी, ठीक है, वैश ब्राह्मण के लागे रहिंदा सी, पर जिहड़ा अति शूदर आ वह कभी ब्राह्मण के लागे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उन्हां तों भिट चढ़दी सी। जिहड़ा अति शूदर, जिहड़ा ब्राह्मण का हमेशा ही सामना करता रहा ज्ञान के नाल भी ते तकरार हुंदा रहा ब्राह्मण के नाल, अति शूदर, जिहड़े अज भी पूरे भारत के गरीब आ, एससी एसटी ये जिहड़े दोनों कास्टा ने ना, ये ब्राह्मण का सामना करते अज भी करते हैं। ब्राह्मण का सामना, ब्राह्मण के विचारधारा के नाल कभी सहमत नहीं हुए लोग। पर इस तरह के जिहड़े लोग आ ना आह दसदे आ, गुरु साहब ने अंदर लिखा होया आ भगतां की जात पत है। जात का मतलब आ जाति, पत का मतलब इज्जत। सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अपना कुछ नहीं लिखा उन्होंने कि साडी जात आ। जिहड़े जिहड़े झूठ का विरोध करते लोग ने उन्हां दी इज्जत भी आ ते वह अपने अणखना भी रहिंदे ने। इहनां दे लोकां नूं जवाब दिओ, जे तुसीं जवाब ना दिते इहनां लोकां नूं इह लोग सवाल बहुत वड्डा। हर कोई कहिंदा स्टेज ते गुरु साहिब ने जात खतम की, मैं कहिंदा स्टेज ते गुरु साहिब ने जात नहीं खतम की। क्यों? जे गुरु अमरदास पातशाह नूं पढ़दे हो तो कहिंदे वी भल्ले अमरदास गुरु तेरे उहनां दी, इत्थे भल्ले लिखिआ, भल्ले नहीं कह रहा मुड़ के जवाब देने सुनने क्यों पानी दे। दसवें पातशाह याद रख रहे हैं गुरु साहब ने खत्म किया भेदभाव ते ऊच नीच, एक जुत्ती कंडर वाला चमार हो गए। हाँ देखो, जिथे जुत्ती कह रहा सुनियो ध्यान दे नाल, इस तरह की इनू अकल आ, जिथे जुत्ती कह रहा उथे जोड़ा भी कह सकता सी, पर नहीं, जे रिस्पैक्ट देनी है तुसीं जोड़ा कह लो, पर सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। पर हुण जो इहने कहणा सुणो ध्यान दे नाल, गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है जिहड़ा सिख गुरु नानक नूं सिर झुकाउंदा है ओह भगत रविदास। अच्छा, पहला पहला ए जाने के जिहड़े ए लोग है ना बशर्म लोग है, ए पूरे सिरे दे बेईमान, बेईमान पूरे बेलड़ लोग, पैसा कमाउण वाले लोग, अपनियां जमीनां बणाउण वाले लोग, अपने बच्चे बाणी तों पढ़ाउण वाले लोग, धंधा करके ये जिहड़े लोग आ ये लोग पहला गुरु नानक नूं सिर झुकाउणगे बाद च भगतां नूं झुकाउणगे। गुरु नानक बार बार कहिंदा होवे मैं भगतां दे चरणां दी धूड़ आ, पर इन्हां ने पहला गुरु नानक नूं सिर झुकाउणा फिर तैनूं झुकाउणा। मैं फर्क नहीं समझदा, भुलेखे ज ना रहियो, ओह नानक की गल कर रहा सच्चे पातशाह की जिहड़ा कहिंदा नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੂਪ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਣ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਸੇਵਾ ਚਿਤਨਾ ਆਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰੱਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਮਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਕੁਛ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਸ਼ਰਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ, ਨੀਚੀ ਹੂਆ ਤੇ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੈਰੀਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ ਉੱਤਮ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੀਂ ਬੁੱਧਾ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸ਼ਹਿਬਾਨ ਨਿੱਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਬਾਨੀ ਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।